पुरानी दिल्ली के घरों में बनने वाले खाने आपको किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे यहाँ मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है मिर्ज़ा बेगम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ाला मिर्ज़ा। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस साल हमारा मुल्क 75वां योम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहा है और इसी खुशी के मौके पर आज हम बनाने जा रहे हैं पुरानी दिल्ली की मशहूर स्वीट डिश ज़रदा, वो भी तिरंगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़रदा बनाने के लिए हमें चाहिए चावल, बासमती या सेला, जो भी आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। ये मैंने आधा किलो सेला चावल लिए हैं जिसे मैंने एक घंटा पहले भिगो दिया था। चीनी 250 ग्राम, हरी इलायची 8-10, लौंगे 10-15 और दालचीनी के कुछ टुकड़े, खोया 250 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, आप रिफाइंड भी ले सकते हैं, मुरब्बा 250 ग्राम, ऑरेंज और ग्रीन फूड कलर 1/2 टीस्पून, 3 चम्मच केवड़ा वाटर। चावल को हमने 3 हिस्सों में बांट लिया बराबर बराबर, क्योंकि हमें 3 कलर के बनाना है ज़रदा। इसलिए हमने पानी उबाल लिया है चावलों के लिए, चावलों से 2.5 गुना ज़्यादा पानी लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 5 इलायचियाँ, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 7-8 लौंगे और ये थोड़ा सा जर्दे का रंग। और ये हम डालेंगे थोड़ा सा नमक इसमें, ये नमक हम मीठे में इसलिए डालते हैं ताकि जो मिठास है वो बैलेंस रहे। अब हम इसमें चावल डाल देंगे, सेम तरीके से हम ये ग्रीन कलर के भी चावल बॉईल कर लेंगे। जर्दे के चावलों को हमेशा 100% गलाते हैं क्योंकि वो चीनी डालने से अकड़ जाते हैं अगर उनको कम गलाया हुआ हो तो, इसलिए चावलों को हमेशा अच्छे से गला लें। चावल चेक कर लेंगे, देखिए गल गए अच्छे से। अब हम इनको छान लेंगे, चावल हमने छान लिए हैं, अब हम इनको दम पे रखेंगे। पहले हम इसमें डालेंगे चीनी की लेयर, चीनी भी हम ये 3 हिस्सों में करके डालेंगे अलग अलग बराबर बराबर, 250 ग्राम चीनी तीनों कलर के अंदर बराबर बराबर डाल देंगे। अब डालेंगे हम इसमें घी, खोए के मोटे मोटे पीसेस डाल दीजिए इसमें तोड़कर। तो डाल देंगे इसमें हम मुरब्बा भी, डालेंगे केवड़ा। अब हम इसको दम पर रख देंगे, अभी हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा रेडी हो गया है ज़रदा, पानी बिल्कुल खुशक हो गया है चीनी का भी, अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। ये सेम प्रोसेस से हमने वाइट ज़रदा भी तैयार कर लिया है, अभी हमारे 3 कलर के ज़रदे रेडी हो गए हैं।
उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप भी इसे बनाकर आज़ादी के जश्न को सेलिब्रेट कीजिए और साथ में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।